हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में जो जारी किए गए नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने पीएचडी इंटर्न्स एग्जामिनेशन के डेट के संबंध में आप सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी कि जिन भी अभ्यर्थियों ने पीएचडी इंटर्न्स एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करे थे 15 मई 2022 को विश्वविद्यालय के द्वारा उन सभी स्टूडेंट्स की पीएचडी इंटर्न्स एग्जामिनेशन हेल्ड करवाया जाएगा। एंड 5 मई 2022 के बाद आधिकारिक वेबसाइट में आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा योग विभाग के शीतकालीन सत्र 2022 में पंजीकृत एमए प्रथम सेमेस्टर साथ ही में बीए प्रथम वर्ष व योग में डिप्लोमा कार्यक्रम के शिक्षार्थी हेतु आवश्यक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, नोटिफिकेशन के अंतर्गत बताया गया कि योग विभाग के शीतकालीन सत्र 2022 में पंजीकृत एमए प्रथम सेमेस्टर साथ ही में बीए प्रथम वर्ष व योग में डिप्लोमा के शिक्षार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम की जो डेट्स मेंशन की गई है आपके 30 अप्रैल 2022 से 11 से 12 बजे के बीच में एमए जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट एमए वाई 2021 योगा जिन्होंने शीतकालीन सत्र जैन से लेके अपना मार्च 2022 तक अपना एडमिशन लिया था उनका इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा। आप यहाँ पर फैकल्टी की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर एमए वाई 2021 यानी जिन्होंने जैन से लेकर अपना मार्च 2022 के बीच में इनरोल करा था 30 अप्रैल को आपका इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा 11 से 12 बजे के बीच में। फैकल्टी की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में इसमें बीए फर्स्ट ईयर योगा वाले स्टूडेंट भी आ जाएंगे यानी जिन भी स्टूडेंटों ने अपना शीतकालीन सत्र 2022 में अपना एडमिशन करवाया है उन सभी स्टूडेंट्स की ये इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा जिसमें अंतर्गत आप सभी छात्र छात्राओं को आपके प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस व नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही में 30 अप्रैल 2022 को डिप्लोमा इन योजिक साइंस वाले स्टूडेंट के जो फर्स्ट ईयर में शीतकालीन सत्र 2022 से लेके जैन 2022 से लेके मार्च 2022 के अंतर्गत आप सभी लोगों ने अगर डिप्लोमा इन योजिक साइंस के अंतर्गत अपने एडमिशन करवाए हैं तो आप सभी लोगों के इंडक्शन प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा। अगर आप सभी लोगों को कोई भी इशू है तो कार्यक्रम की अधिक जानकारी आपको ईमेल आईडी व प्राप्त लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे तभी आप सभी लोगों का ये ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। एंड अगर आप सभी लोगों को कोई भी इश्यू है तो आप अपने योग संकाय के विभाग से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के न्यू नोटिफिकेशन के संबंध में जिसके अंतर्गत बताया गया रिसर्च सब्जेक्ट एंड गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडी। इसके अंतर्गत जो विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिफिकेशन में बताया गया है गाइडलाइंस फॉर द डिसर्टेशन जुलाई 2022। इसके अंतर्गत बताया गया रिसर्च सब्जेक्ट एंड गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड द मीडिया स्टडी जुलाई 2022 यानी पत्रकारिता और मीडिया अध्ययन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लघु शोध प्रबंधन के विषय और निर्देश इसमें बताए गए जुलाई 2022। तो इसके अंतर्गत बताया गया फॉर द अटेंशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ एमए जेएमसी एंड पीएचडी एंड जेएमसी। इसमें बताया गया एमए जेएमसी पीएचडी जेएमसी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी छात्र ध्यान दें उपरोक्त कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में जिन विद्यार्थियों के लघु शोध प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं वो 2021-2022 में ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नीचे दिए गए किसी भी एक विषय पर मौलिक लघु शोध प्रबंधन लिखकर 30 जून 2022 तक विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा में स्वयं या रजिस्टर डाक द्वारा जमा कराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया शोध प्रबंधन तैयार करने के पूर्व सभी शिक्षार्थियों को शोध पर आधारित 4 दिन का अनिवार्य कार्यशाला में हिस्सा लेना कंपलसरी होगा जिससे विशेषज्ञ द्वारा शोध शास्त्र एवं शोध प्रबंधन तैयार करने की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही में कार्यशाला में प्रतिभाग करने पर शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जिसकी छाया प्रति शोध प्रबंधन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, बिना प्रमाण पत्र शोध प्रबंधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यशाला की संभावित तिथि मई माह के प्रथम और द्वितीय हफ्ते में होंगी। साथ ही में कार्यशाला गढ़वाल क्षेत्र के शिक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर देहरादून अथवा कुमाऊं क्षेत्र के शिक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपका विद्यार्थी सभी दिशा निर्देश का पालन करें एवं शोध निर्देशक को भी अनिवार्य रूप से इसे पढ़ाएं। इसमें एमए जेएमसी के विद्यार्थियों के लिए लघु शोध प्रबंधन के विषय बताए गए हैं। फर्स्ट आपका सोशल मीडिया का 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है उत्तराखंड में विशेष संदर्भ में। साथ ही में नेक्स्ट आपका उत्तराखंड राज्य निर्माण के पश्चात राज्य के विकास में मीडिया की क्या भूमिका रही है। साथ ही में सामाजिक जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका उत्तराखंड के विशेष संदर्भ के संबंध में है। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड में मीडिया का विकास एवं उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संवर्धन
व प्रसार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका रही है। यहाँ इसके अंतर्गत फिर आपका पीजीडी जेएमसी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बताया गया है टॉपिक उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 और मीडिया, साथ ही में उत्तराखंड में सोशल मीडिया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन रिपोर्ट आपको जनरेट करना है। किसी प्रिंट मीडिया संस्थान की समस्त कार्यप्रणाली पर एक अध्ययन रिपोर्ट आपको जनरेट करना है। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, वो भी हम रीड आउट कर लेते हैं। बताया गया, विद्यार्थियों से लघु शोध प्रबंधन करवाने का उद्देश्य उन्हें संचार शोध का व्यवहारिक ज्ञान देना है। साथ ही में इसलिए विद्यार्थी शोध प्रबंधन लिखने से पहले पुस्तकालय और इंटरनेट पर उपलब्ध शोध ग्रंथों का अध्ययन कर लें, इससे उन्हें शोध प्रबंधन लिखने में हेल्प रहेगी। साथ ही में विद्यार्थियों को दिए गए विषयों में किसी एक विषय पर आपको डिसर्टेशन लिखना होगा। कृपया ध्यान रखें कि विषयों के आधार पर अपना शीर्षक विकसित किया जा सकता है, लेकिन शीर्षक का मुख्य विषय पर आधारित होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है, शोध विषय से संबंधित साहित्य का अवलोकन व अध्ययन अवश्य करें, इससे आपकी विषय संबंधी जानकारी बढ़ेगी और आपका शोध कार्य बेहतर होगा। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया, 30 जून 2022 तक लघु शोध प्रबंध का विश्वविद्यालय की पत्रकारिता और मीडिया अध्ययन स्कूल में पहुंचना अनिवार्य है। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया, शोध प्रबंधन लेखन के मौलिक न होने पर, नियमों का पालन न करने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, छात्र शोध निर्देशक के चयन हेतु पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा के समन्वयक व अपने अध्ययन केंद्र समन्वयक से संपर्क करेंगे, इसके पश्चात उन्हें शोध निर्देशक उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लघु शोध यानी डिसर्टेशन कराने वाले शिक्षक की क्या इसमें जिम्मेदारी रहती है, आपके पास पूरा एक पीडीएफ अटैच किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें फॉर्मेट ऑफ डिसर्टेशन है, पार्ट ऑफ डिसर्टेशन है एंड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी नैनीताल, परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ डिसर्टेशन प्रपोजल है, हार्ड कॉपी ओनली शैल बी एक्सेप्टेड। प्रिंट मीडिया वाले स्टूडेंट अपने परफॉर्मा को चेक कर सकते हैं, साथ ही में जो अटैचमेंट दिए गए हैं सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन एंड आपका प्रपोजल, वो सारी आप जानकारी ले सकते हैं। उस तरीके से आपको फिर अपना डिसर्टेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। साथ ही में हम बात करेंगे मॉडल अध्ययन केंद्र 11000 काउंसलिंग हेतु समय सारिणी भी जारी कर दी गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। जैसे ही आप इस जानकारी पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा मॉडल अध्ययन केंद्र 11000 काउंसलिंग समय सारणी। काउंसलिंग प्रारंभ तिथि 1 मार्च 2022 है एंड जिन जिन फैकल्टी के द्वारा जिस भी डेट में काउंसलिंग करवाई जाएगी, काउंसलर का नेम, सब्जेक्ट, टाइमिंग, काउंसलिंग डे और कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास गिवन है। तो मॉडल स्टडी सेंटर को भी कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। काउंसलिंग संबंधी जानकारी हेतु छात्र उक्त लिखित काउंसलिंग समय पर ही दूरभाष के माध्यम से संबंधित छात्र काउंसलिंग के संबंध में अथवा किसी भी जानकारी हेतु निम्नलिखित दूरभाष नंबर पर कार्यालय समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष नंबर आपके पास प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ ही में काउंसलिंग के समय एवं दिवस में परिवर्तन संभव है, जिसकी सूचना पूर्व में सूचना बोर्ड पर अंकित की जाएगी।